थी न लोभ की, वही उसको लगा दिया लालच। लोभ पाप का बाप है, और ये पाप का बाप आकर जिसके सिर पर बैठ जाता है उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। इसलिए आप कहीं मंदिर में जाओ, वहां दान पात्र बंधा मिलेगा। तीर्थ में जाओ, दान की बात हो। सत्संग में जाओ, दान की बात हो। गुरु के पास जाओ, दान की बात हो। विद्यालय में जाओ तो विद्या दान की बात हो। गृहस्थ के घर जाओ तो कन्या दान की बात हो। रोगी के पास जाओ तो रक्त दान की बात होगी। कोई फटीचर आदमी के पास जाओ तो वस्त्र दान की बात होगी। सब फटा दुपटा पहने वस्त्र दान, और कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो श्रम दान की बात होगी कि भाई श्रम दान कर दीजिए आप लोग। दान का बड़ा महत्व है। दान लोभ को मारता है, इसलिए दानी की बड़ी सदगति होती है। आज मेरे पास में एक गुरु सेवा के लिए श्री सियाराम साहू, श्री हीरालाल साहू, सिटी फैशन मेन रोड बेगूसराय एवं समस्त साहू परिवार की ओर से गुरु सेवा के लिए 11,000 की राशि नगद दान दी जा रही है। बहुत अच्छा दाता, दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया। भगवान ने आपको चुना है कि आपके हाथों से सेवा हो। धन्य हो, बैठो। तो याद रखना, दारिद्र नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। इसलिए कभी मंदिर में जाओ, अपने श्रद्धा शक्ति अनुसार दान करो। तीर्थ में स्नान करने जाओ, वहां जो पंडे पुजारी बैठे हैं ना, श्रद्धा अनुसार दान दीजिए। कभी गरीबों के लिए भी दान दीजिए, कभी सत्संग के लिए दान दीजिए, कभी बहुत बड़ा भंडारा चल रहा हो उस भंडारा के लिए दान दीजिए। अन्नदान आपकी कमाई में नरनारियों की सेवा हो तो आपका कमाना सार्थक है। हमारा कमाया हुआ धन धर्म की रक्षा में लग जाए। आज जो यहां प्रोग्राम हो रहा है, ये हजारों लोगों को जिंदगी जीने का मंत्र सिखाने वाला प्रोग्राम। इस कलयुग में घर घर कलह कलेश बढ़ता जा रहा है, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान घटता जा रहा है। ऐसे कलिकाल की स्थिति में सत्संग के माध्यम से ज्ञान की एक किरण मिल जाती है, मन का कलमश धुल जाता है, मन निर्मल हो जाता है, घर का कलह कलेश भी दूर हो जाता है। याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं सुख उनको मिलता है जो लोग अपने क्रोध को काबू कर लेते हैं। क्रोध को बस में करना, थोड़ा गम खा लेना, थोड़ा सह लेना, थोड़ा समझा देना, थोड़ा क्षमा कर देना, और प्रसन्न रहने की आदत बनाना। इस संसार में जितना ज्यादा तुम क्रोध करोगे, तुम्हारी सुख शांति सब जलकर भस्म हो जाएगी। और ये संसार ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं,
इसी मॉडल से चलता है, राम के युग में भी चल रहा था, कृष्ण के युग में भी चल रहा था। जब ऐसे ऐसे नासमझ लोग हैं कि भगवान से भी टकरा जाते हैं, तो तुम तो साधारण इंसान हो। उसी में सूझबूझ से रास्ता निकाल कर काम कीजिए, बहुत दुखी मत हो। साहिब बंदगी भी बोलो, साहिब बंदगी। बहादो प्रेम की शरिता, दिलों में प्यार का सागर। बहादो प्रेम की शरिता, दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। शक्नोति है यह सोड़ो प्राक शरीर विमोचन। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जीते जी काम क्रोध विजयी बन जाओ। निष्काम कर्म करो, निष्काम भक्ति करो, निष्काम सेवा करो। तुम वृक्ष लगाओ, निष्काम वृक्ष लगा दो, लेकिन वृक्ष फिर भी फल देने के लिए भूल नहीं करेगा, देगा ही। माँ बाप की सेवा भी निष्काम भाव से करो, निष्काम प्रेम भी करो, फल तो अपने आप मिलता है।